ये बेलन इस पे गर्म क्यों कर रहे हो तुम? इस पे फोन नहीं लगाना था तो कपड़े से तो जल्दी सूखेगा नहीं, इसलिए मैंने इस पे सूखा। अच्छा, इसको सुखाने का क्या फायदा है? पानी लग रहा था इसका, वो आटे पे लगेगा नहीं। अच्छा, आटे पे पानी लगेगा तो आटा फट जाएगा, चिपक जाएगा। अच्छा, तो अब रोटी बना रहे हो तुम? कितने जनों की रोटी बना रहे हो? 8 जनों की। अच्छा, ये देखो भाई साहब, ये रोटी बना रहे हैं। ये चकला किस चीज़ का है? पत्थर का। पत्थर का, तो पत्थर का बेलन लेना चाहिए था ना? पत्थर का बेलन नहीं लगता। पत्थर के बेलन का क्या घाटा और क्या फायदा है? वो तो नहीं पता। वो नहीं पता, पत्थर का बेलन हैवी होता है ना इससे तो। पहली बात तो ये बता नहीं। अच्छा, रोटी बना रहे हैं हम, तो रोटी में आटा कितना लेना चाहिए हमको कि रोटी मोटी ना बने ज़्यादा और ना पतली बने? नहीं तो ज़्यादा आटा लेना चाहिए, नहीं तो कम, मतलब मीडियम आटा लेना। मीडियम आटा लेना चाहिए। मीडियम आटा लेने का क्या फ़ायदा है? मतलब ज़्यादा मोटी रोटी खाने का क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है ज़्यादा मोटी रोटी खाने का? उससे क्या होगा ज़्यादा मोटी रोटी खाएंगे तो? आटा कच्चा रह जाएगा और वो पेट में जाके दिक्कत देगा, है ना? और पतली ज़्यादा रोटी बनाएंगे तो वो आटा क्या, रोटी कैसी हो जाएगी? पापड़ जैसी। तो इसीलिए हमको आटा कितना रहना चाहिए? अब तुमने कितना आटा लिया है? नहीं तो ज़्यादा, नहीं तो कम। अच्छा, वो रोटी भी तो होती है जिन पे चून चून सा लगा रहता है बनने के बाद में, ऐसा क्यों होता है, कुछ बताओगे इसके बारे में? पोलूशन ज़्यादा क्यों लगाते हो तुम? तो बहुत पोलूशन लगाते हो। तो ज़्यादा पोलूथन खाने का कुछ फ़ायदा है? फिर तुम पोलूथन ज़्यादा क्यों लगाते हो? तुम अपने व्यूअर्स को तो बता रहे हो कम लगाना चाहिए, और ज़्यादा पोलूथन क्यों लगाते हो फिर? वो तुम ज़्यादा पोलूथन लगाते हो। ये देखो, मतलब तुम इसको रोटी को तवे पे नहीं सेकोगे पूरे तरीके से? मतलब कैसे इसको बाहर निकाल देते हो, उसके बाद इसको अलग से सेकोगे? मगर बहुत से लोग तवे पे सेकते हैं, इसका क्या बेनिफिट है? सबकी अपनी अपनी होती है, कोई तवे पे सेकता है, कोई आंच पे सेकता है। अच्छा, तो ज़्यादा फायदा किस पे होता है, तवे पे होता है कि आंच पे होता है? तवे पे फायदा क्या होता है? रोटी प्रॉपर सीख जाती है तवे पे? रोटी प्रॉपर सीख जाती। हाँ जी, प्रॉपर सीख जाती है उस पे। अच्छा, तो फिर तवे पे सेको ना, फिर इस पे क्यों सेक रहे हो? और आँच कितनी रखते हो इसकी? मीडियम रखते हो फ्लेम या हाई फ्लेम पे बनाते हो इसको? मीडियम भी, जैसे तवा ठंडा होने लग जाए ना तो उसको हाई फ्लेम पे कर दो। अच्छा, वैसे मीडियम कर दो ताकि रोटियाँ जले। ठीक, आपकी सब्जी तैयार हो गई बनके? अच्छा, ये देखो, मतलब ऐसे से हो गए रोटी को, तो उसके जो किनाठे हैं वो सीख जाएंगे पूरे प्रॉपरली? किनाठे कच्चे रह जाते हैं, तो कच्चे किनाठे तो अच्छे होते नहीं है, वो तो आटा पेट में जाके खराब करता है ना फिर कच्चा आटा। तो प्रॉपरली सीख जाएंगे इससे, प्रॉपरली सीख जाएंगे। अच्छा, फूल तो रही नहीं है हमारी रोटी। अच्छा, फूल ही है। अच्छा अच्छा, फूल गए सही बोल रहे, फूल गए। अच्छा, बहुत सी रोटियां फूलती हैं, क्या कारण है इसका? कारण क्या है कि रोटियां नहीं फूलती? बहुत से लोग जो रोटी बनाते हैं तो रोटी फूलती नहीं है। हाँ हाँ, तो जब रोटी फट जाती है तो फिर वो फूलती है। अच्छा, अगर रोटी ना फूले तो कोई उससे घाटा है कुछ? नहीं। अच्छा, ये देखिए, ऐसे ये रोटी फूल रही है, ये प्रॉपर रोटी फूल चुकी है, देखिए। इसमें कुछ आटे का भी होता है क्या? जब आटा मांडते हैं तो आटे का भी कुछ फर्क पड़ता है आटा मांडने का? अच्छा, अगर ठीक तरीके से आटे को मांडोगे तो रोटी? अच्छा, और आटे को ठीक तरीके से नहीं मांडोगे तो रोटी ज़्यादा फूली हुई नहीं आती? अच्छा, अगर सब्जी की शक्ल दिखा दोगे, आपने सब्जी बनाई थी आलू की, दिखाओगे सब्जी? ये देखो, उन्होंने सब्जी तैयार कर दी है आलू की। ये पानी वाली सब्जी बनाई है क्या तुमने? क्या होता है, क्या करें, गरीबी का घर है। आलू प्याज आलू तरी। अच्छा, चलो।
तो वह आप रोटी बना रहे हो, इन रोटियों को ढकोगे नहीं, ये तो ठंडी हो जाएंगी फिर रोटियां इस तरीके से। अभी पन लेके इस पे घी लगाऊंगी। अच्छा, घी कहाँ से लाते हो तुम? दिल्ली से ही? अच्छा, वहाँ घी यूज करते हो। मतलब इस तरीके से गोल गोल रोटी हो जाएगी। बहुत से लोग होते हैं जिनकी रोटी गोल नहीं होती, उसका क्या कारण है? प्रैक्टिस है क्या? अभी रोटी हमारी गोल हो चुकी है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा लंबी रोटी भी ठीक नहीं रहती ना। रोटी अपना एक साइज होता है, ना ज़्यादा लंबी ना ज़्यादा छोटी है। फ्लेम बहुत ही कम है इसकी तो। वो मैंने कम कर रखी थी, तेज फ्लेम। अच्छा, आपने आटा कितना लिया? दिखाओ एक बार आटा, आटा दिखा दो एक बार, कितना लिया आपने आटा रोटी बनाने के लिए? अच्छा, इतना आटा लिया है, ठीक है। अब इसमें सूखा आटा मिलाओगे? सूखा आटा क्यों मिलाते हैं, ऐसा कुछ कारण है? सूखा आटा क्यों मिलाया जाता है? अच्छा, वैसे रोटी चिपक जाती है ना। वैसे हम पानी वाली भी रोटी बना सकते हैं। अच्छा, मगर पानी वाली रोटी ज्यादा चूल्हे पे बनाते हैं। चूल्हे पे बनानी चाहिए क्या? आपको चूल्हे पे रोटी बनानी आती है? अच्छा, आपने सारे काम सीख रखे हैं मतलब। चलो दोस्तों, इनको रोटी बनाने देते हैं, अभी सर्व करेंगी तो देखते हैं कि इन्होंने रोटी सब्जी किस प्रकार से बनाई है। ठीक है दोस्तों, मेरे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहते हो आप? कुछ कहना चाहोगे? ये भी रोटी बनाने में बिजी है। चलो टाटा बाय बाय तो कर दो अपने व्यूवर्स को। हाँ जी, नहीं करोगे? सभी रोटी बेल रहे हैं, ये देखो भाई, यहाँ पे रोटी सिक रही है और यहाँ पर रोटी बेली जा रही है, ये देखो। ये भी हमने चैनल स्टार्ट करा अपना, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करना और दोस्तों के साथ में, कि एक गृहिणी का जीवन किस प्रकार से होता है, कि वो किस तरीके से अपने स्ट्रगल करती है। तो चलो अपनी वीडियो में समाप्त करते हैं।